कहाँ जाने वाली हम लोग दोनों वो भी बताओगे, लेकिन अभी नहीं बताओगे, वो सस्पेंस रहेगा ना चन्न बराबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सब ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये सुबह का टाइमिंग हो रहा है, 8 बज गया है और मोटो गई है नाश्ता बनाने को। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मोटो नाश्ता बना रही है। आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनानी पड़ी। हम लोग किचन में चलते हैं। हम लोग किचन की ओर आ गए हैं। ये देखिए मोटो नाश्ता बना रही है। तो आज नाश्ता बना रही है पराठा, और पराठा नहीं बना रही है, नहीं पराठा नहीं बन रहा है, रोटी बन रहा है, रोटी और मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल आलू की भुंजिया, कचड़ी वगैरह, अंडा। चलिए हम लोग हॉल में आ गए हैं दोस्तों। आइए आप लोग भी नाश्ता करिए और नाश्ता करने के बाद, चलिए दोस्तों फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, फिर आपको बता दें। चलिए हम लोग किचन में आ गए हैं। क्या बना रही हो? कढ़ी, कढ़ी आप दही वाला कढ़ी बनता है ना, वही मैं बना रही हूँ। अभी मैं दही को फेंट रही हूँ, देखो इधर ये दही ली हूँ मैं, 1 किलो ही ली हूँ ना, ये 1 किलो चना दाल ली हूँ, इसका आधा से कम इसमें डालेंगे दही में। इधर मैंने मसाला जैसे लहसुन मिर्चा और प्याज और काली मिर्च, बाकी सब मैं पाउडर डालूंगी। जब तेल गरम करने के लिए छोड़ दिए, ये है धनिया पत्ता और इसमें प्याज काटा हुआ है जो फुल्की के लिए तैयार होगा। तो देखते रहिए कैसे कैसे मैं इसमें अभी करती हूँ। आप अपने हिसाब से ही इसमें दही में दाल डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद हो गाढ़ा, मैंने अपने हिसाब से ही इसमें डाला है। और दही भी अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, है ना सुनो? तो इसको अच्छे तरह से, इससे तो ये फटाएगा नहीं। हमने धो लिया है, ये गया इधर, पानी डालना ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही पानी डालना, मतलब एक गिलास के भर। सभी हम पेटेंगे और फिर बताएंगे कि हम भाजी के लिए क्या क्या डालें। और ये चाय फुल्की के लिए इसमें मिला रहे हैं, तो हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसको हमने चॉप कर लिया है। तो आप लोगों के घर पे ये वाला हो गई, इसी में काफ़ी है। उसके बाद ये धनिया पत्ता इसमें मिलाना है, तो आप अपने हिसाब से मिलाना, हम तो वही मिला रहे हैं अपने हिसाब से, बता दे रहे हैं ना। तो फिर तो मैं इसमें से नमक डाल दूँ अपने इससे हिसाब से, तो आप लोग अपने हिसाब से डालना कि आप लोगों को कितना नमक मतलब पसंद है। इधर मेरा चावल बन रहा है, इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें प्याज जो डाली मैंने 2 डाला है, इतना बड़ा बड़ा मीडियम साइज का 2 प्याज डाली हूँ, 1 लहसुन का फोट होता है ना एक, तो वो डाली हूँ, बाकी मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इधर मेरे चावल में पानी कम पड़ गया है, उसको पानी डाल रहे हैं, इसको खूब अच्छे से मिला लेना है, जैसे हम लोग भजिया के लिए बनाते हैं ना उसी तरह से। और इसी तेल में हमको फ्राई करना है, देखिए कैसे फ्राई कर रहे हैं। छोटा बड़ा अपने हिसाब से फुल्की डालना, मेरे हिसाब से मत डालना क्योंकि मेरा कभी छोटा बड़ा फैल जाता, टेढ़ा भी हो जाता है, बराबर होता ही नहीं है।
नाम सुनिए। तो अभी फ्राई हो रहा है, अभी एक तरफ से हुआ एक तरफ से नहीं हुआ, इसी को भी फ्राई कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है भजिया, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से फिर दोबारा छान लेना जो दाल अभी रखा हुआ है। मोटो का पहली बार भजिया छान ली क्या? ये गया दूसरा। दो जन है ही है तो कितना खाएगा, है ना सन? मैं और तो कोई है नहीं, मैं हूँ मेरे जो है मोटो के हस्बैंड। हो गया। ये फ्राई हो रहा है चावल, देख लेते हैं आप लोग कहें कैसा चावल कौन सा बनता है। हमारे यहाँ तो ये वाला बनता है, उसको पसाना भी पड़ता है क्योंकि मुंबई वाले लोग दूसरा चावल खाते हैं, हम लोग बिहार वाले हैं तो हम लोग पसा के ही खाते हैं, है ना सुनो। बस अपने इधर गया में जो गया से होंगे तो उनको मालूम होगा कैसा चावल बनता है, जो गया से मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। इसमें थोड़ा सा फोरन डालेंगे और तीन कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा काली वाली राय डालेंगे। आप लोग डालते हैं कि नहीं जरूरी नहीं, आप लोग जिस चीज से छोका लगाते हैं उसी से लगा सकते हैं। उसके बाद अब ये जाएगा मसाला, तेल में डाल देना है। 1 किलो हमने तेल डाला था इसमें, उसी में डाल दी छान के जो निकाली भजिया, फिर उसी में हमने मसाला भी डाल दिया, इसी में मसाला फ्राई कर लिया। ये तेल ज़्यादा रहेगा तो कढ़ी में खाने में भी टेस्ट लगेगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी, इसमें हल्दी छोटी वाली चम्मच से 1.5 चम्मच हल्दी डालना, इतना छोटा टेढ़ा हो गया। हेलो <दिन्नु? laughs> इसमें डालेंगे जीरा, जीरा इसमें डालेंगे 2 चम्मच उसी चम्मच से, क्योंकि मैंने वैसा चम्मच सारे मसाले वाले में रखे हैं जिसमें पाउडर है। काली मिर्च हमने डाल दिया, वो डालना नहीं है दोबारा, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ धनिया, धनिया ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच बस। कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकती हैं, वो आपके इस पर है, आप डाल भी सकती हैं नहीं भी डाल सकती हैं, तो थोड़ा ही सा डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में पीसा है लाल मिर्च। इसके बाद नमक डालना है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है कितना पसंद है। मेरे यहाँ पर 2 ही चम्मच डाला है थोड़ा थोड़ा। अब इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। चलो मेरा मसाला भुना गया है, तेल छोड़ दिया है, अब मैं जा रही हूँ इसमें दही डालने। थोड़ा चेंज करेंगे इसको क्योंकि इसमें तो ये बनेगा तो पूरा फेंक देगा, तो मुझे इसके लिए बड़ा वाला पतीली चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। के लिए यही वाला पतीली सही है। थोड़ा सा पानी डालना है,
थोड़ा सा छोटा गिला वाला। बहुत गर्म है कड़ाही। तो ये देखिए हो गया मेरा। अब इसको धीमी आंच पे छोड़ देना है, धीमी कर दें ताकि ये धीमे धीमे खटक जाए। अभी नहीं बना है। हाँ बड़ा जल्दी बन जाता है, तुम्हें खुद बनाया करो ना। 2 बजे तो तुम खाते नहीं हो खाना, 2 बज चुका है। 3 बजे खाते हैं, 3:30 बजे। मैं जा रही किचन का सफाई करने, किचन इतना गंदा दिख रहा है एकदम, कड़ी वड़ी वाला झमेला बहुत बेकार है। हो गया कड़ी का तेल छोड़ दिया है। जब सुंदर दिखा ये देख, इसी तरह से जब तेल छोड़ दे कड़ी तो फिर क्या करना है हम लोग को, इसमें ये डाल देना भजिया। ये भजिया इसमें डाल दिया है और भजिया डाल के थोड़ा, उसके बाद जब भजिया डालने के बाद थोड़ा खदक जाएगा ना तो फिर छौंका लगा दो। एक 2 मिनट के लिए फिर छौंका लगा देना, फिर खा लेना। भूख लगा यार बहुत जोर से। जो कड़ी पत्ता और ये जीरा और मेरे कढ़ी में देखो, वो भजिया डालने के बाद खदक गया है, छौंका लगाऊंगी। कढ़ी बन गया, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो चलते हैं हॉल में, आती हूँ मैं खाना लेके, आप जाओ। तो हम लोग का खाना लग चुका है, तो आइए आप लोग भी खाना खाइए। कढ़ी चावल, हाँ मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो हम लोग का खाना वाना हो गया, हम लोग खाना पीना खा लिए। खाने में तो आप लोग देखे ही कढ़ी बनाए थे, कढ़ी चावल, और खा पी के एकदम मस्त। आप थोड़ा जा रहे हैं लेटने, आराम करने, है ना सुनो। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताओ यार कैसा वीडियो बन रहा। हम लोग भी तो टेंशन में बैठे रहते हैं, क्या मालूम तुम लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है ना सुनो। हाँ। कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। थोड़ा सा वीडियो तुम लोग को लगेगा कि ये तो ऐसा वैसा, लेकिन धीरे धीरे सुधार आएगा ना। हम लोग भी कोशिश में लगे रहते हैं कि वीडियो को और थोड़ा अच्छा बना, है ना सुनो। तो अभी हम लोग की मेहनत जारी है, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ही चाहेंगे तो मेरा वीडियो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कहीं भी फैल सकता है ना सुनो। और ये मेरे हस्बैंड के लिए ये मेरे सबसे सबसे बड़ा वाला खजाना है, इनके बिना कोई आगे नहीं जा सकता ना सुनो। मेरे सबसे प्यारे वाले हस्बैंड मिले हैं मेरे को। हाँ मेरी स्टोरी जानना है तो हमारे वीडियो में लाइक करना, फॉलो करना। अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ हम लोग दोनों वो भी बताऊंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगे, वो सस्पेंस रहेगा ना सुनो। बराबर बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।